तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंस्ट्रक्टर पढ़ लिए थे। ये सिक्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्लासेस को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा तो आपको ये आइडिया हो गया कि क्लासेस जो है वो कुछ कंस्ट्रक्टर जो काम करता है उसी टाइप का कोई काम करती है। सही है। तो अभी बड़ा टॉपिक है तो आज हम कवर नहीं कर रहे। आज हम जो है एक छोटी सी चीज है जो क्लासेस को भी पढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, वो है टेम्पलेट लिटरल्स। अब टेम्पलेट लिटरल्स जो है वो क्या चीज है, किस तरीके से काम करती है, बहुत सिंपल सी चीज है, उसको आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, क्लास फोर, यहाँ पर इसको कॉमेंट कर देता हूँ, सॉरी कॉमेंट कर दिया। उसके बाद एक फाइल बना लेता हूँ न्यू, class5.js नाम की, class5.js। उसके बाद यहाँ पर उसको लिंक भी करना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं लिंक भी कर लेता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, class4 की जगह क्लास जो है वो 5 कर देता हूँ। सही है, यहाँ से class5 हो जाएगी। यहाँ पर मेरी क्लास ये फाइल जो है वो लिंक हो गई है अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, उसके बाद अपनी जेएस फाइल के अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि पहले काम कैसे होता था, टेम्पलेट लिटरल्स जब हमारे पास नहीं थे उससे पहले काम कैसे होता था ES5 के अंदर। सही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ES5। तो यहाँ पर जो है ये कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है इसलिए देर हो रही है, तो कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ ES5, और यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ पहले काम किस तरीके से होता था। तो यहाँ पर मैं वार लिखता हूँ, पहले वार होता था ES6 से पहले। वार आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है, नम इज इक्वल टू यहाँ पर 34, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लॉग करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखता हूँ योर नंबर, नंबर इज आगे। अगर मुझे नंबर को साथ प्रिंट करना होता था तो मैं क्या करता था, प्लस का साइन, मतलब कॉन्केटिनेशन का साइन बेसिकली हम इसको कहते हैं, उसके बाद आगे उस वेरिएबल का नेम। सही है, इस तरीके से करते थे ना हम, देख लेते हैं चल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये भी class 4 जो है वो ही भी है अब। अच्छा, यहाँ पर मैं टाइटल भी चेंज करता हूँ, यहाँ से ना class 4 का टाइटल डला हुआ अभी तक। यहाँ पर मैं class 5 कर देता हूँ, 5 को कर देता हूँ सेव। दोबारा से जो है वो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ index.html को, और यहाँ से ही न्यू टैब जो है इसको क्लोज कर देता हूँ। इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर आता हूँ, और आपको जल्दी से दिखाता हूँ कंसोल, और योर नंबर इज, नंबर की स्पेलिंग रॉन्ग हो चुकी है, कोई बात नहीं, इस 34 जो मैंने आपको दिखाना था वो आपको सही नजर आ गया, योर नंबर इज 34। तो यहाँ से मैं नंबर की स्पेलिंग को भी सही कर लेता हूँ, और अब बताता हूँ ये आफ्टर एक्मा स्क्रिप्ट हम काम किस तरीके से करते हैं। अगर यही काम मुझे आफ्टर एक्मा स्क्रिप्ट करना हो तो ये जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या हो जाता है देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ ES, अब आएगा लेट, तो यहाँ पर लेट लिख देता हूँ, उसके बाद नम इज इक्वल टू 34। सही है, अब यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम 34 के बजाय 35 ले लेते हैं ताकि आपको ऐसा न लगे कि पुराना वाला ही चल रहा है। उसके बाद मैं लॉक कर देता हूँ कंसोल में। पहले हम क्या करते थे, इस तरीके से करते थे कि इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट। तो अब काम क्या करेंगे, अब हमें इसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, और प्लस का साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है, और ये जो हमारे कॉलम्स हैं इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम्स को भी हटाते हैं यहाँ से। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इसको बैकटिक के अंदर जो है वो कवर कर देना है। बैकटिक आपको कहाँ पर मिलेंगे, अपनी कीबोर्ड के अंदर स्किप की जो होती है ना, फर्स्ट की जो होती है कीबोर्ड की स्किप, उसके बिल्कुल नीचे आप दबाएंगे तो ये बैकटिक के अंदर जो है वो कवर हो जाएगा, कुछ इस तरह से नजर आता है बैकटिक। सही है, आपने लिख दिया योर नंबर इज, अब इसी के अंदर ना कि इसके बाहर हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, बल्कि इसी बैकटिक के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे डॉलर का साइन, डॉलर उसके बाद करली ब्रैकेट। सही है,
डॉलर और कर्ली ब्रैकेट जैसे ही हम लगाएंगे उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये हमारा अब क्या होगा, योर नंबर इज, फिर थोड़ी सी स्पेस भी इसी के अंदर आ जाएगी, आप जितनी स्पेस ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं, अभी हम इतनी रखते हैं। योर नंबर इज, उसके बाद क्या होगा, ये वेरिएबल अगर आपको कोई स्टोर करना है तो आपको प्लस का नाम, प्लस का साइन देके स्टोर नहीं करना पड़ेगा बल्कि डॉलर का साइन होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके वेरिएबल का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो योर नंबर इज 35 जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज थी, आई होप, मुझे लगा कि आपको क्लासेस पढ़ाने से पहले ये चीज का पता होना चाहिए। तो आई होप कि स्मॉल वीडियो, छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में क्लासेस के साथ, जो पूरी यूट्यूब के ऊपर मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा वो, उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप, मुझे लगता है कि आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।